किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे, उचित दूरी बना रहे होंगे और जितनी भी सावधानियां लेनी है कोरोना से बचने के लिए वो आप सब ले रहे होंगे। समय बहुत ख़राब है, हम सबको अपना ध्यान रखना है और एक दूसरे को ध्यान रखना है। इसी के साथ आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आऊं जिस पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी। किसान साथियों, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, बाग बड़ा होता जा रहा है, नई नई चीज़ें मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। मैंने आपको एक वीडियो बताई थी थिनिंग की, वो थिनिंग थी कल्लों की, यानी जब एक जगह पर अधिक मात्रा में कल्ले आते हैं तो उनको हम कैसे हटाएं। यानी थिनिंग का मतलब होता है पतला करना, यानी उसे थोड़ा छीदा करना। इसी श्रृंखला में, इसी के साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि फलों की थिनिंग कैसे करते हैं। किसान साथियों, ये पेड़ देखिए और इस पेड़ पर आप ये फल देखिए कितनी मात्रा में है। किसान साथियों, इस फल की जो ये पौधा मैंने मंगाया था 25 जून को मंगाया था जयश्री नर्सरी बनारस से, ये ताइवान पिंक का ग्राफ्टेड पौधा है। इस पौधे को मैंने करीब सितंबर 2019 में लगाया था और अब ये सितंबर में 2 साल का होगा। आज आप इस पर आराम से देखिए कि कितना फल आया हुआ है। ये देखिए, किसान साथियों, आज मेरे बाग में एक मैंने कार्यकर्ता बुलाया हुआ है, वो गुट्टी बना रहा है। तो मुझे कई आदमियों ने कहा हमें इस पौधे की गुट्टी दीजिए। किसान साथियों, जब मैं इस वर्ष राहौरी गया था तो वहाँ पर एक डॉक्टर कुलकर्णी है, उन्होंने मुझे बताया था कि त्यागी जी, अगर आपको नेमाटोड से बचना है तो इसके दो साधन हैं, या तो आप जो है ना उसकी गुट्टी बनाइए और या इतनी सावधानी से उनके पौधों का जो रूट स्टॉक तैयार करिए, और वो बहुत महंगा प्रोसेस आता है। तो किसान साथियों, मेरे पास दो वैरायटी के पौधे हैं। ये मेरा ताइवान पिंक है और इसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर कुछ में मैं गुट्टी बंधवा रहा हूँ। ये देखिए, ये तैयार कर दिया है उसने और यहाँ पर आज इसकी गुट्टी बांध देगा ये। अब आप इस पौधे पर देखिए, इस पर मैं बरसात का फलन ले रहा हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े अमरूद हैं और देखिए कितने गुच्छों में हैं। जो गुट्टी बांध रहा है वो कह रहा था कि सर ये पौधा तो इतना भार सहन नहीं कर पाएगा। आप इस पर फलों की मात्रा देखिए। अब हम इससे अच्छे फल किस प्रकार प्राप्त करें और इन फलों की देखरेख कैसे करें, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आइए, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ कितने फल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। किसान साथियों, मैं यहाँ पर कुछ फलों को हटाऊँगा। देखिए ये छोटा फल है, मैं इसको धीरे से हटा दूँगा। ये मेरा फल है, मैं इसको हटा दूँगा। और किसान साथियों, एक और बात का ध्यान रखना है कि जो हाई डेंसिटी है उसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप फलों का प्रबंधन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें अब भी 4 फल हैं, लेकिन ये ध्यान से देखो तो ये फल थोड़े बड़े हो चुके हैं। 1 2 3 4, ये एक ही जगह है, मैं इसमें से एक फल और हटा दूँगा, 3 अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से ये देखिए, मैं इसमें अधिक नहीं रखूँगा, मैं इसमें ये ऊपर का फल हटा दूँगा, ये जो इसमें यहाँ पर 2 हैं इसको भी हटा दूँगा। इस प्रकार मैं इस पर कम फल लूँगा। अब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, अगर मैं इन्हें सब को रख लूँ तो ये डाली जो है ना बहुत गहरी झुक जाएगी, क्योंकि ये कम से कम 400 ग्राम का ये वो होगा, फल होगा। ये देखिए मैंने इस तरफ रखा है, 1 2 3 फल रख लिए, ये भी अभी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको जोर बहुत पड़ेगा। ये देखिए जो मैं हटा रहा हूँ,
इनको हटा दीजिए, कम फलन रखिए। ये देखिए, इसको कहते हैं थिनिंग। कम से कम आप जो गुच्छों में आए हुए हैं, ये एक आधा कोई सूख भी जाता है, इनको अवश्य हटाएं और वहाँ कम मात्रा में फल रखें। ये देखिए, अगर आप अधिक मात्रा में फल रखेंगे तो ये नीचे झुक जाएंगे और इन अधिक फलों की जो एनर्जी है वो इन कम फलों में जाएगी और अमरूद जल्दी बड़े होंगे और थोड़े अधिक बड़े अमरूद मिलेंगे जिनका बाज़ार भाव भी आपको अच्छा मिलेगा। ये देखें किसान साथियों, ये यहाँ से किसी कारण सूख गया। ये देखिए, इसको मैं हटा दूँगा, इसको भी हटा दूँगा और इसको हटा दूँगा। ये मैं यहाँ दो अमरूद रखूँगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये दो अमरूद हैं इकट्ठे, ये बहुत ख़तरनाक स्थिति हो गई है इसके लिए, तो इसको मैं एक अमरूद रख लूँगा यहाँ पर। अगर मैं इस प्रकार भी थिनिंग करूँगा, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस प्रकार भी थिनिंग करता हूँ तो भी मेरे पास बहुत मात्रा में अमरूद बचेंगे। किसान साथी, ये देखिए, अब देखिए आप इसमें थोड़ी कम मात्रा में फल हैं और नीचे देखिए मैंने कितने फल तोड़ दिए। किसान साथियों, ये उसी प्रकार सत्य है कि आपके घर में बच्चे अधिक हैं तो आपको अधिक भोजन की आवश्यकता होगी और देख रेख आपकी। ये देखिए, ताइवान पिंक की एक खासियत है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे तक भी आता है। ये देखिए, जो पुरानी टहनियाँ हैं, लेकिन जो ग्राफ्टिंग वाला है, ये इसकी ग्राफ्टिंग है, यहाँ से इससे नीचे नहीं आएगा ये। तो इसका फ़ायदा ये, देखिए कितनी मजबूत स्ट्रक्चर मैंने बना दिया जो कि क्लोन वाले में नहीं बनता है। किसान साथियों, क्लोन और ग्राफ्टिंग वाले में मुख्यतः दो अंतर हैं। इसमें जो है, जो रूट स्टॉक है, इसमें मुख्य जड़ भी होगी जो गहराई तक जाएगी और पौधे को संभाल कर रखेगी। दूसरा अंतर यह है कि ये 6 महीने बाद फल देना शुरू करता है, क्योंकि जब तक ग्राफ्ट अच्छी तरह नहीं जुड़ती पौधा ऊपर की तरफ को नहीं बढ़ता, जबकि क्लोन वाला तेज़ी से बढ़ने लगता है। मैं आपको 6 महीने के बाद जो दूसरा, अभी मेरी कटिंग हुई है क्लोन वाले पौधों की, मैं उसमें और इसमें साफ अंतर बताऊंगा। होगी इसकी उम्र जो क्लोन है उससे लगभग दुगनी होती है और ये पौधा मजबूत होता है। अब देखिए, हम इसको इस प्रकार से, जो मेरे कार्यकर्ता हैं ये, इसको यहाँ पर थिनिंग करेंगे। किसान साथियों, अगर आपको अच्छी क्वालिटी के अमरूद लेने हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस पर अच्छी तरह मैनेजमेंट करें। और सघन बागवानी लगाने का सबसे अच्छा कारण यही है। ये देखिए, कहीं भी दो अमरूद नहीं होने चाहिए। अगर आप VNR बिही के अमरूद देखोगे तो वहाँ पर भी लोग थिनिंग करते हैं, और बिना थिनिंग के आपको इतने बड़े बड़े अमरूद लेना लगभग असंभव है। ये देखिए कितने अमरूद हैं, इतने अमरूद किस प्रकार आ जाएंगे यहाँ पर। ये हम दो ही ले लेंगे इसको। किसान साथियों, एक ये पेड़ देखिए, ये वाला पेड़ देखिए, ये मेरा श्वेता का पेड़ है, ये वाला, ये मेरा श्वेता का पेड़ है, और इसकी और इसकी दोनों की उम्र एक ही है। इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि ये मेरा नहीं जम रहा, यहाँ पे मैंने दूसरे पौधे लगाए हैं, थाई पिंक के पौधे लगाए हैं। इसमें भी आप देखिए कितना भयंकर फल आता है। ये देखिए, ये भी जयश्री नर्सरी बनारस से आया हुआ है, और मैं इसको अब इनकी थिनिंग का काम शुरू करूँगा आज। मैंने कहा आपको भी बताऊँ, और इस प्रकार अच्छी क्वालिटी के अमरूद होंगे। किसान साथियों, पिछले साल मैंने 40 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक अमरूद बेचा है, और कारण यही था कि मेरे अमरूद जो सघन थोड़े से बहुत दूर नहीं है, मतलब पहुंच पे हैं, मैं उनकी गहरी कटिंग भी करता हूं कि अच्छी क्वालिटी के अमरूद लेने की कोशिश करता हूं। श्वेता एक बहुत अच्छा अमरूद है, और इस पौधे को, ये जो ताइवान पिंक का है, देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त पौधा लग रहा है। ये देखें, जबकि इसके मुकाबले इतना ही बड़ा,
इतनी मजबूत टहनी वाला पौधा कभी नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिए कितना मजबूत पौधा है। किसान साथियों, अगर आपने सघन बागवानी कर रखी है, आप पौधों की कटिंग करते हैं और आपकी पहुंच है उसे करने के लिए, तो अपने पौधों में फलों की थिनिंग अवश्य करें। आप देखेंगे अमरूद अच्छे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे और अधिक प्राइस के मिलेंगे, और जितने टोटल अमरूद आपके होंगे उससे ज़्यादा वजन के अमरूद मिलेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक विनती और है कि ये प्रयोग आप एक वर्ष कुछ पौधों पर कर देखें, सब पौधों पर मत करें। इससे आपको ये भी होगा कि किसी कारण से अगर कोई नुकसान की संभावना हुई वो नहीं होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है जी।